अस्सलामुअलैकुम। आज मैं बनाऊंगी एक मीठा और पुडिंग है वो क्वीन पुडिंग। इसमें ब्रेड जाती है, मैं उसकी जगह केक डाल रही हूँ। केक मेरा अपना घर का बना हुआ है। आपके पास भी अगर कोई केक पड़ा हुआ है, या पाउंड केक है या जो है प्लेन जो केक है वो अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप ब्रेड जो है उसकी जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने 150 ग्राम जो है ब्रेड की जगह ये केक लिया है। इसको मैं डालूंगी डिश में। मेरे पास पायरेक्स की डिश है, ओवन सेफ डिश कोई भी आप ले लें। इस तरीके से क्यूब्स में आप ब्रेड जो है उसके क्रस्ट निकाल के उसको फैला दें। ब्रेड या केक जो भी आप डालना चाहते हैं, केक से इसका फ्लेवर जो है वो ज़्यादा अच्छा आएगा और टेस्टी होगा। इसके अलावा मैंने 4 अंडे लिए हैं, जर्दी और सफ़ेदी को मैंने अलग अलग कर लिया है। और 150 ग्राम मेरे पास शुगर है और मैंने घर में पीसी हुई है शुगर। आपको अगर कैस्टर शुगर मिले तो आप वो ले सकते हैं। बटर मेरे पास 75 ग्राम है और इसके अलावा मेरे पास 900 ml मिल्क है। जैम मैं इस्तेमाल करूँगी और इसका जो है लेमन का जो छिलका है जेस्ट या इसका राइंड जो है मोटा सा होता है वो उसको मैं निकाल के वो भी मैं डालूंगी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। जो हमारा ये एग वाइट है और ये जो जैम है ये हमारा बाद में इस्तेमाल होगा। अभी हम बटर जो है इसको मिल्क में डालेंगे और वार्म कर लेंगे इसको हल्का सा। बस मिल्क को इतना गर्म करना है हमने कि ये मेल्ट हो जाए। जैसे ये मेल्ट होता है मैं इसको बंद कर दूंगी। एक लेमन का जेस्ट मैं निकाल रही हूँ। अब ये जो व्हाइट पार्ट है ये नहीं डालें, इसका जो ऊपर का पीले वाला छिलका है सिर्फ ये निकालें। इससे आपकी पुडिंग जो है वो बहुत उसमें अच्छा फ्लेवर एक अच्छी खुशबू आएगी। और अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसको पतीले में पानी गर्म करके जैसे पुडिंग बनाते हैं आप वैसे भी बना सकते हैं। ये हाफ जो शुगर है ये मैं डालूंगी इसमें और हाफ मैं बचा लूंगी। ये 900 ml मिल्क है और 75 ग्राम बटर है। ये जो है किसी भी स्पून या किसी भी चीज़ से आप ये कस्टर्ड जो हमने बनाया है इसको इसके ऊपर पोर कर दें।
मैं इसमें मेरे पास ये एक डिश है, इसमें मैंने इसको रखा है और पानी डालूंगी इसमें गरम और ओवन में इसको बेक करूंगी। और जो एग वाइट है ये शुगर इसमें बाद में जाएगी और इसकी टॉपिंग इसके साथ करके हम दोबारा इसको बेक करेंगे, रीबेक करेंगे। ये बॉइलिंग वाटर है जो मैं इसमें डाल रही हूँ। अगर आप पहले डाल के रखेंगे तो पानी गिरने का खतरा है, इसलिए सेफ्टी के लिए आप इसमें रखने के बाद पानी डालें। इसमें 180-200 पे हम इसको बेक करेंगे 20 मिनट्स। पुडिंग हमारी रेडी है, इसको 10 मिनट्स के लिए हम मज़ीद पकाएंगे। पानी जो है वो मैंने ट्रे रिमूव कर दी है इसके नीचे से और अब मैं इसके ऊपर डालूंगी जैम। जैम को हम एक बोल में डाल लेते हैं। जैम को थोड़ा सा माइक्रोवेव में मैं 30-40 सेकेंड गर्म करूंगी। मैंने क्योंकि इसमें केक जो डाला है उसका फ्लेवर ऑरेंज है, ऑरेंज शिफॉन केक है, तो मैं इसको ऑरेंज का ही फ्लेवर दे रही हूँ और मैं इसमें ऑरेंज मार्मलेड डाल रही हूँ। आप जो भी आपकी पसंद हो, आपको जैम या फ्लेवर आप वो बना सकते हैं। ये 10 मिनट्स के लिए मैं इसके बाद दोबारा इसको पकाऊंगी। ये जो मेरे पास एग वाइट्स थी इसकी मैं इसको बीट करूंगी शुगर के साथ और इसकी मराइन बना के मैं इसके ऊपर डालूंगी। फिर इसकी ये सॉफ्ट पीक्स जो हैं वो हमें चाहिए थी और इसको मैं अब इसके ऊपर डालूंगी। बस इसको अच्छे से डेकोरेट करें इसके साथ और 10-15 मिनट हम इसको, तकरीबन 10 मिनट काफ़ी होगा इसको बेक करेंगे। बस मैं इसी स्पैचुला से इसको रफली बस इसी तरह से चला के इसको ये इफेक्ट्स बना दूंगी, वेवी इफेक्ट। मिनट्स के लिए दोबारा मैं इसको बेक कर रही हूँ। क्वीन पाई हमारी रेडी है, अभी ये बहुत गर्म है और आप चाहें तो इसको गर्म खाएं और आप चाहें तो इसको फ्रिज में रख के ठंडा करके खाएं, ये दोनों तरह से ही बहुत टेस्टी है। ये हमारी फैमिली का, मेरे बच्चों का बहुत फेवरेट मीठा है, आप ज़रूर इसको बनाएं, ट्राई करें, आपके फैमिली को भी ज़रूर ये पसंद आएगा।
पुडिंग को मैंने फ्रिज में ठंडा किया है और अब मैं इसको काट के आपको बताऊंगी। ये केक के जो पीसेस मैंने डाले थे बहुत टेस्टी है। ये ऑरेंज का एक यूनिक फ्लेवर, जो एक डिफरेंट फ्लेवर होता है वो इसमें आ रहा है, क्योंकि मैंने टोटली ये ऑरेंज फ्लेवर के साथ बनाई है। बहुत डिफरेंट ये रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई करें। ईद पे आप ये बना सकते हैं और इफ्तारी रमज़ान में तो ज़रूर आप बनाएं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आएँ तो आप मेरे वीडियोस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।